क्या क्या करता है लीफ, कैसे प्रोसेस करता है ये जानते हैं। सबसे पहले लीफ कहते हैं किसको है, ये थिन ब्रॉड ब्लैक एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अटैच टू स्टेम। यहाँ पे थिन मतलब पतला, ब्रॉड मतलब चिपटा और फ्लैट मतलब समतल। यहाँ पे थिन ब्रॉड फ्लैट का आप लोग मीनिंग जान लिए होंगे, लीफ इज थिन ब्रॉड फ्लैट। ये क्या है, थिन पतला है, ब्रॉड चिपटा है और फ्लैट समतल है। एंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच अटैच टू स्टेम, स्टेम से क्या है लीफ जुटा हुआ है और प्लांट का ये ग्रीन भाग है। मैंने यहाँ पे स्टिंग में भी आप लोगों को बताया था कि लीफ जो है स्टेम से स्टिंग से जुटा हुआ रहता है। और यहाँ पे आइए जानकारी लेते हैं कि कितने भाग होते हैं ये सब, तो आइए जानकारी लेते हैं। लीफ कॉन्स्टेंट्स मेनली ऑफ द टू पार्ट, यहाँ पे लीफ जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, वो जुटा है दो पार्ट में जुटा है। सबसे पहला क्या है लेमिना और दूसरा पेटियोल। लेमिना को हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लैड और पेटियोल को लीफ स्केलेट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये मैंने पत्ता बनाया है, इसका यहाँ पे स्टीम है, स्टेम है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पेटियोल किसको कह रहा है, यहाँ पे जो लीफ के यहाँ पे पेटियोल किससे जुड़ा रहता है, स्टेम से भी जुड़ा रहता है और लीफ से भी जुड़ा रहता है, दोनों से जुड़ा रहता है। कौन, पेटियोल दोनों से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे लेमिना आप लोग देख रहे होंगे लीफ ब्लैड, ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जितना भी ये जो लीफ है इसका किनारे किनारे वाला को देख रहे होंगे इसे हम लोग लेमिना कहते हैं। इसीलिए इसका कोई कोई आप लोग लीफ में देखते होंगे कि वहां पे लीफ ब्लेड होता है, वो हाथ को भी छिल देता है। जैसे कि ईख का आप लोग देखेंगे तो उसका जो लीफ होता है वो क्या होता है, हाथ को खरोच कर देता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो लेमिना का बीच वाला भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। मतलब कि ये जो है ये लेमिना का बीच वाला भाग है मिड रिब। और यहाँ पे आप लोग मिड रिब से के साथ जुड़ा हुआ है ये है इसका भेद, भेद से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है भेद। और आप लोग इसे समझ गए होंगे, तो मैंने यहाँ पे एक प्लांट लाया है तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते होंगे ये लीफ है, तो यहाँ पे आप लोग इसका स्टेम है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है ये क्या है, ये पेटियोल है। ये क्या है, ये लीफ से के साथ और स्टेम के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसके यहाँ पे ये क्या है, माइट रिब, ये माइट रिब है, बीच वाला रिब है, हड्डी है, इसे हम लोग रिब कहते हैं। और ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये इसका क्या है, वेंस है, नस है, जैसे हमारा भी नस होता है। ये देखिए आप लोग, ये हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, इसी तरीके से इसका भी काम करते हैं। तो आइए हम आगे जानकारी लेते हैं। देयर आर, यहाँ पे मैंने बता देती हूँ, देयर इज अ मिड रिब इज द सेंटर ऑफ लेमिना। यहाँ पे मैंने बताया था कि लेमिना का सेंटर में क्या होता है, मिड रिब होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ वेंस स्प्राइड आउट फ्रॉम द माइट रिब टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ। द लार्ज नंबर ऑफ वेंस, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ वेंस स्प्राइड आउट फ्रॉम माइट रिब टू ऑल पार्ट ऑफ द लीफ। यहाँ पे ऑल पार्ट ऑफ द लीफ में क्या होते हैं, वेंस पाए जाते हैं और मिड रिब भी। देयर आर मिनट पोर्स, यहाँ पे जो मिनट यहाँ पे बोल रहा है वो घड़ी वाला मिनट नहीं, वो मिनट यहाँ पे साइंस में मिनट का मतलब होता है छोटा छोटा और पोर का मतलब छिद्र, छोटा छिद्र ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ, लीफ के सरफेस में मिनट पोर्स होता है विच आर कॉल्ड, उसे हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमाटा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने एस्टोमाटा बनाया है। ये क्या है एस्टोमाटा, ये हमारे आँख से नहीं दिखता है प्लांट में, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो ये लीफ है इसमें आप लोगों को एस्टोमाटा नहीं दिख रहा होगा, बल्कि ये जहाँ पे होता है केमिकल को थी बनाते हैं लाइब्रेरी, उसी में माइक्रोस्कोप से दिखेगा।
हमारा स्टोमाटा। तो आइए अब इसके फंक्शन क्या है ये जानकारी लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल क्या रहा है, द लीफ ऑफ प्लांट्स कंटेंट्स एंड ग्रीन कलर पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसे हम लोग जो प्लांट में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो लीफ है यहाँ ये कौन सा ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है आप लोग देख रहे होंगे ये ग्रीन कलर का लीफ है, ये पिगमेंट है। क्या है, एक पिगमेंट है। एंड आर कॉल्ड इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल के से ही क्लोरोफिल यहाँ नहीं रहता तो ये पिगमेंट ग्रीन कलर नहीं रहता, ये क्लोरोफिल के यहाँ है इसीलिए यहाँ पे क्या है ग्रीन कलर है। तो आइए अब इसके फंक्शन क्या है, लीफ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या है, यहाँ पे द लीफ स्मैक फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे बोल रहा है लीफ जो मैक करता है बनाता है भोजन बनाता है अपना भोजन बनाता है वो इस प्रोसेस के माध्यम से बनाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को ये फंक्शन पढ़ाने के बाद बताऊंगी। अब यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है द लीफ गेट रीड फॉर एक्सेप्ट्स वाटर एंड प्लांट फॉर प्लांट थ्रो ट्रांसपायरेशन। यहाँ पर ट्रांसपायरेशन ये किसको रहा है, जो यहाँ पे जो भोजन बनाता है ये। सबसे पहले मैं फोटोसिंथेसिस आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे इसका जड़ है, यहाँ पे हम पौधा ले लेते हैं, ये इसका जड़ और इधर से पानी का बूंद है, इधर से हम लोग पानी यहाँ पे दिए हैं और यहाँ पे ये सन का लाइट है, ये सन सनलाइट इधर से लिया, ये क्या किया, ये पत्ता जो है इधर से सनलाइट लिया और ये इन्वायरमेंटल है, इधर सारा इन्वायरमेंटल है और इधर से क्या लेगा कार्बन डाइऑक्साइड लिया और इधर से क्या लिया रूट से लिया, हमारा रूट से यहाँ पे स्टेम में आया, स्टेम के बाद कहाँ गया लीफ में गया, लीफ में क्या गया वाटर गया उसके यहाँ पे जो क्लोरोफिल है ये क्या काम करता है, यहाँ पे मैं क्लोरोफिल जो है वो क्या काम करता है, जो यहाँ पे लाइट आता है उसको एक टेक्चर करता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया, इधर से वाटर दिया एंड मिनरल लिया और यहाँ पे कितना चीज लिया 1 2 3 थ्री चीज वाटर एंड मिनरल लिया, थ्री चीज हुआ, यहाँ पे लाइट लिया, लाइट सूरज का अगर किरण नहीं होगा तो ये खाना बनाना नहीं सकेगा। अगर अब देखते होंगे मौसम चेंज करता है हमारा तो क्या होता है, पौधा भी उसी तरीके से होने लगता है, उसी तरीके से बदलने लगता है। आप देखते होंगे अगर अब मौसम चेंज करता है तो मैं भी देखी हूँ, मैं अपने खेत जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ मौसम चेंज करता है तो वो भी प्लांट क्या हो जाता है मर जाता है, इसलिए सनलाइट का मिलना यहाँ पे जरूरी है और यहाँ पे ये भोजन बना लेता है क्लोरोफिल के मदद से, ये क्या बनाता है अपना भोजन बना लेता है, उसके बाद इधर से क्या निकालता है ऑक्सीजन निकालता है ऑक्सीजन निकालता है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसलिए निकाल रहा है क्योंकि यहाँ पे जितना भोजन बचा है तो स्टोमाटा की वजह से स्टोमाटा यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन नहीं निकाल पाएगा। और अगर यहाँ पे आप लोग देखते होंगे जब अभी आप जाते होंगे अगर आप जाते होंगे मॉर्निंग वॉक में तो आप देखते होंगे अगल बगल में पेड़ पौधे में छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होते हैं वाटर निकल आते हैं और यहाँ पे जो वाटर है ये सुबह को भी निकलता है लेकिन ये सन का लाइट होता है कि इसका इविपोरेट हो जाता है, इविपोरेट मतलब वाष्पीकरण हो जाता है और यहाँ से सुबह में ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन हवा तो है तो सूरज का रोशनी हवा को इविपोरेट नहीं करता है इसीलिए ये जो जब भी स्टोमाटा से निकलता है वाटर सुबह को भी तो उसे क्या करता है सन के रोशनी इवोपरेशन कर लेता है। अब यहाँ पे
रात में आप जब देखते होंगे तो रात में क्यों नहीं होता, क्योंकि सनता रोशनी नहीं होता है वहाँ पर, इसीलिए रात में ऑक्सीजन और वाटर दोनों निकलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन समझ रहे होंगे कि ट्रांसपायरेशन स्टोमाटा की वजह से होता है, यहाँ पे स्टोमाटा नहीं रहता तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे स्टोमाटा होता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे खाना जो ज्यादा हो जाता है उसी को ही ये प्लांट क्या करता है, छोड़ता है। अब आइए तीसरा पॉइंट क्या कहता है वो जानते हैं। द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन द इन प्लांट विच द इज द प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। यहाँ पे बोल रहा है द लीव्स कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पायर, रेस्पायर का प्रोसेस से ये कैरी करता है इन द प्लांट विच द प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस होता है ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है विच एनर्जी, यहाँ पे प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी को हम लोग ग्लूकोज भी कहते हैं। हम जब भी ग्लूकोज वीकली हो जाते हैं हम तो ग्लूकोज पीते हैं, उससे हमारा शरीर में तुरंत एनर्जी आता है, तो उसी को यहाँ पे कह रहा है फूड फ्रॉम एनर्जी प्रोड्यूस, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस होता है द विच प्लांट इज रेस्पायर, रेस्पायर रेस्पायरेशन होता है ऑफ प्रोसेस ऑफ आउट कैरी लीव्स द, यहाँ पे क्या बोल रहा है द लीव्स कैरी, कैरी आउट करता है प्रोसेस ऑफ रेस्पायर, रेस्पायर की मदद से ये कैरी आउट करता है प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे प्रोड्यूस ऑफ एनर्जी, जब भी ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो ये क्या बन जाता है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है तो ये